हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर्काइव टुगेदरनेस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्लांट डायस्कोरिया इन डिटेल। ठीक है, मैं ऐसे ही आपके लिए जो फार्माकोलॉजी हमारी सब्जेक्ट होता है उसमें बहुत डिटेल से हमारे प्लांट्स होते हैं, ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग और अदर्स भी प्लांट होते हैं, तो मैं अभी ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग प्लांट के अंडर में आपको डायस्कोरिया प्लांट डिटेल में बताऊँगी। ठीक है, ऐसे में मेरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पे, आप उस पर जाके आप डिटेल से कोई भी प्लांट पढ़ पाएंगे। ठीक है, मैं अभी ये प्लांट अभी स्टार्ट कर दे रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए, आज का प्लांट हम लोग स्टार्ट करते हैं, डायस्कोरिया। ठीक है, आप जैसे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि हमारा डायस्कोरिया का प्लांट है, हमारा क्लाइंबर प्लांट होता है। हालांकि अब ये एक्सटिंक्ट होने के कगार पे भी है, बहुत कहीं रेयरली ही मिलता है ये प्लांट हमको, बट स्टिल इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। आज भी कहीं कहीं पे ये प्लांट हमको मिलता है, हमारे सिलेबस में प्लांट मेंशन है तो हम इसे पढ़ेंगे। ये ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग प्लांट है हमारा। स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड इसमें प्रेजेंट होता है एज एन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट। चलिए पढ़ते हैं इस प्लांट को, इसको सैनोनिम देखते हैं। इसको यम भी बोलते हैं, रूमेटिज्म रूट बोलते हैं। इसको रूमेटिज्म रूट इसलिए बोलते हैं कि जो हमारी डिसीज होती है रूमेटाइड आर्थराइटिस, उसको यू क्योर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, इसलिए इसका नाम हम इस नाम से भी जानते हैं कि उसको रूमेटिज्म रूट भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स देखते हैं, तो बायोलॉजिकल सोर्स कहाँ कहाँ पे ये हमको मिल, मतलब किस प्लांट से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो मेनली ये ड्राई ट्यूबर होता है। ठीक है, ट्यूबर जो होता है इसको हिंदी में कंद भी बोलते हैं, जैसे कि हमारा शकरकंद वगैरह होता है, उसी की ही ये वैरायटी है, उसी के ही जाति का ये मेंबर है डायस्कोरिया भी। ठीक है, लेकिन ये शकरकंद ही नहीं होता है, उससे मिलता जुलता होता है लेकिन सेम वो नहीं होता है। इसका बोटानिकल नेम डायस्कोरिया डेल्टोडिया है। इसका अदर जो हमारा वैरायटी पाया जाता है वो डायस्कोरिया कंपोजिटा है, ये इसका बोटानिकल नेम हो गया। इसका फैमिली, कौन सी फैमिली से ये बिलोंग करता है, तो डायस्कोरिया ऐसी फैमिली से ये बिलोंग कर देता है। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया हमारा प्लांट डायस्कोरिया का। अब हम आगे देखते हैं, ज्योग्राफिकल सोर्स देखते हैं कि ज्योग्राफी में कहाँ कहाँ पे ये प्लांट पाया जाता है। तो मेनली ये नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस रीजन में पाया जाता है, पंजाब में पाया जाता है, नेपाल में, चाइना में भी इसका कल्टीवेशन कलेक्शन करते हैं। वहाँ पे स्पेसिफिक रेंज में 1000 टू 3000 के एल्टीट्यूड के हाइट पे ये प्लांट हमारा पाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो कल्टिवेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया। अब हम आगे देखते हैं कल्टिवेशन कलेक्शन, इसको भी मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए इसमें इसमें क्या है कि हमारा जो ट्यूबर होता है इसको कैसे कल्टीवेशन करते हैं, इसको इसकी खेती कैसे करते हैं, फिर इसको कलेक्ट कैसे करते हैं, मेनली इसमें हम यही पढ़ेंगे। तो इसमें हम ट्यूबर का, जो हमारा ट्यूबर होता है उसी से हम इसका प्लांटेशन करते हैं। जो हमारे ट्यूबर्स होते हैं उनका 70 to 80 ग्राम के होते हैं इन वेट, उनका वेट होना चाहिए, और उसमें हमारे क्या है बड्स प्रेजेंट होनी चाहिए हमारी। ठीक है, उसमें क्रांस होते हैं वो हमारी प्रेजेंस होनी चाहिए। तो इसको हम लोग फर्स्टली हम लोग क्या करते हैं, नर्सरी बेड में सोन कर देते हैं। ठीक है, नर्सरी बेड में सोन कर देते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, एक महीने के बाद या 40 दिन के बाद उसमें जो हमारा स्प्राउटिंग होता है, मतलब वो जर्मिनेट करता है, उसमें स्मॉल स्मॉल स्प्राउट्स निकल आते हैं। फिर उसके बाद 2 से 3 मंथ के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका जब ग्रोथ में वो आ जाता है 2-3 मंथ के बाद फुल ग्रोथ में, तो उसको हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं अपने फील्ड्स में। और फील्ड्स में हम ट्रांसप्लांट भी ऐसे करते हैं कि उन दोनों के डिस्टेंस में, जब से हम प्लांटेशन कर रहे हैं तो 30 to 60 सेंटीमीटर इतना एटलीस्ट डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस हम मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, अब जो उसका ग्रोथ होता है, क्योंकि देखिए क्लाइंबिंग प्लांट है हमारा, तो हम डिस्टेंस इसीलिए मेंटेन कर रहे हैं ताकि वो अगर क्लाइंबर है स्प्रेड आउट करेगा, उसकी ब्रांचेस को स्प्रेड करने के लिए स्पेस चाहिए होगा, तो वो हमको इनफ स्पेस मिल पाए दूसरी बात, और उसको सपोर्ट भी चाहिए होगा, क्योंकि जब वो जब न्यू न्यूली प्लांट होगा, मेच्योर प्लांट नहीं होगा, तो उसकी वेन्स में उसकी जो टेंडर्स होती हैं वो इतनी सफिशियंट एबल नहीं होंगी उसका वेट को वियर करने के लिए, तो हमको उसको सपोर्ट देना पड़ेगा प्रॉपर ग्रोथ के लिए। और किसी भी प्लांट के लिए हम लोग जानते ही हैं कि हमारा मैन्योर फर्टिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है उसकी सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए। फिर हम लोग उसको इरिगेशन, उसको पानी देते रहेंगे 10 days के अंदर, हम एवरी 10 days में उसको पानी देते रहेंगे। उसके बाद फ्रेश ट्यूबर इज हार्वेस्टेड बाई डीप
प्लगिंग आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ क्रॉप, ठीक है। उसके बाद हम लोग फ्रेश जो उसकी वो होगी, फ्रेश ट्यूबर्स होंगे, उसका हम लोग हार्वेस्टिंग कर लेंगे। तो उसके बाद हम लोग ड्राइड कर देते हैं। हम लोग जब ड्राइड करते हैं तो मेनली 50% जो उसका वाटर कंटेंट होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में इवोपरेट हो जाता है। ये हमारा कल्टिवेशन कलेक्शन का प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, मैक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी मैक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक होती हैं। तो मैं आपको एपिडाइग्रमेटली भी दिखाऊंगी। हमारा ब्राउन कलर का ये हमारा ट्यूबर होता है, कंद होता है। ऑर्डर इसका ऑर्डरलेस होता है और टेस्ट इसका बिटर होता है। ये आप ध्यान रखिएगा कि हमारा जो इसका टेस्ट होता है वो बहुत बिटर होता है, काफ़ी बिटर होता है इसका टेस्ट, ठीक है। एक्स्ट्रा फीचर में अगर आप चले जाएंगे तो एक्स्ट्रा फीचर में हमारा प्लांट ये क्लाइंबर है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। इसका हम लोग राइजोम जो पार्ट होता है वो सॉफ्ट होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली अरेंज वेरी क्लोज टू द सॉइल, ठीक है। वो जाहिर सी बात है राइजोम्स हमारे सॉइल्स के काफ़ी करीब होते हैं, ठीक है। और ड्रग जो होती है वो कवर्ड होती है और स्कैटर्ड होती है रूट के फॉर्म में। हम आगे देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो इसमें हमारा क्या होता है, अगर आप ट्रांसवर्स सेक्शन इस प्लांट का करेंगे और अंडर द माइक्रोस्कोप उसका जब विजन करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें एपिडर्मिस हमारा जो होता है एब्सेंट होता है, ठीक है। हमारे जो कॉर्क लेयर होती हैं वो हमारी इस प्लांट में मतलब ये स्पेसिफिक करेक्टर होता है किसी भी प्लांट का। तो जो हमारी कॉर्क की लेयर होती है ना उसमें बहुत ढेर सारी लेयर्स होती हैं कॉर्टिकल पैरेन्काइमाटस टिश्यूज की, ठीक है। ये इसका भी एक्स्ट्रा फीचर हो गया। स्टील पाया जाता है इसमें, जो भी हमारा प्राइमरी वास्कुलर बंडल्स होता है, टिश्यू होता है, स्टेम का हो गया, रूट का हो गया, ठीक है, प्लांट का हमारा। तो उसमें क्या होता है कि उसमें उसके साथ ना एक स्पेसिफिक या सपोर्टिंग सेल्स या सपोर्टिंग टिश्यूज भी होते हैं, जैसे कि हमारा पिथ हो गया या और कुछ भी। तो ये जो हमारा पाया जाता है, तो ये मेजर पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ आ कॉर्टिकल कोलैटरल फाइब्रोवैस्कुलर बंडल्स, ठीक है। मतलब ये मतलब कोलैटरल फाइब्रोवैस्कुलर बंडल्स का फॉर्मेशन कर देते हैं टुगेदर मिलके सारे, जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया हमारा, उसके बाद सपोर्टिंग टिश्यूज भी हो गए हमारे साथ में मिलके, क्योंकि उसी को हम स्टील कह देते हैं। और फिर इसमें क्या होता है, जब इतना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है तो हमारा एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच में हम मतलब कि वो दोनों दूर से देखने पे विजन पे इंडिविश होते हैं, हम उनको अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट देखते हैं कि कौन कौन सा केमिकल इसमें पाया जाता है। तो मेनली 75% जो इसमें स्टार्च पाया जाता है, बिटर स्टार्च पाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बिटर होता है इसका नेचर, काफ़ी बिटर होता है, ठीक है। इसी वजह से इसका यूज़ जो है हम लोग नहीं मतलब करते हैं डे टू डे लाइफ में, क्योंकि इतना बिटर टेस्ट है इसका कोई वियर नहीं कर सकता है, ठीक है। चीफ कंस्टिट्यूएंट इसमें हमारा जो पाया जाता है, देखिए हमारा ये ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग प्लांट है, तो ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग प्लांट है तो जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या होगा, शुगर पार्ट में और नॉन शुगर पार्ट में, मतलब ग्लाइकोन पार्ट में और ए ग्लाइकोन पार्ट में मतलब ब्रेक हो जाएगा। तो जो मेरा हमारा ए ग्लाइकोन पार्ट है, मतलब शुगर फ्री प्लांट है या नॉन शुगर पार्ट है, वो हमारा क्या है, वो हमारा डाइसीन है। यही हमारा एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होता है इस प्लांट का, जो हमें डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिंस में हेल्प करता है। सैपोनिन कंटेनिंग प्लांट है, तो अगर आप इसको वाटर के साथ, इसका जो हमारा पाउडर होगा वाटर के साथ लेके शेक करेंगे तो ये फोर्थ का फॉर्मेशन करेगा, झाग का फॉर्मेशन करेगा। अदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारा केमिकल स्ट्रक्चर है डायोसिन का, ठीक है, डायोजेनिन का है। ये आप देख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। यूजेस देखते हैं कि अब हम इसका कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हमारा जो इसका मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है डायोजेनिन, ये हमारा स्टेरॉयडल सैपोनिन होता है, ठीक है। सो यूज एज अ प्रिकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं उसमें हम लोग एज अ प्रिकर्सर एज अ इनिशिएटर यूज़ करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की सिंथेसिस के लिए, ठीक है। सेक्स हार्मोन्स में भी यूज़ करते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं उनमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। डायोजेनिन यूज एज अ ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसलिए इसको रूमेटिज्म रूट भी बोलते हैं। इस प्लांट का नाम एक और भी होता है, ठीक है।
जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, ये हमारा डायोजिनिन या डायोस्कोरिया का हमारा ये प्लांट है। ये हमारा ट्यूबर होता है, आप देख पा रहे होंगे कि क्लाइंबर प्लांट होता है और ये इसके ट्यूबर से ब्राउन कलर का होता है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।